हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया, एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सैंपल स्पेस के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था, तो ये क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन आ गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, अब जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है वो होता है इवेंट। ये क्या मेरा इवेंट है। ठीक है दोस्तों, अभी इस इवेंट को मैं एक सेट के फॉर्म में लिखूंगा, तो इवेंट इसको नाम दे लेते हैं, ए नाम दे लेते हैं, क्योंकि ये सेट है और सेट को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ता है। हाँ जी, सेट ए, उसमें किस टाइप के नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर और इवन नंबर है आप। हाँ जी, और आपको पता है जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है, इसका छोटा रूप होता है। इवन नंबर इसमें सेलेक्ट करने हैं, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6। हाँ जी, अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको इवेंट ए मानना है ना मैंने, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो कैसे लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, और इसका फार्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका फार्मूला कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए, यानी कि पहले इसमें देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 ऐसे, और मुझे एस में चाहिए, एस में कितने एलिमेंट हैं, 6। ठीक है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3/6 क्या आ जाएगा, 1/2। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे इवन की जगह पे ओड होता, ओड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, उसको इवेंट बी मान लेते हैं कोई। हाँ जी, ओड नंबर इसमें सेलेक्ट करने हैं सैंपल स्पेस में, ओड नंबर 1, 3 और 5। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी मेरे पास, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3/6, इट इज ऑल्सो 1/2। मान लीजिए ए इवेंट है, हाँ जी, हाँ जी, नंबर क्या आना चाहिए, 7 से छोटा आना चाहिए, और 7 से छोटा कौन से नंबर है, ये सारे नंबर 7 से छोटे हैं, तो इवेंट ए में सारे ही नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया था जब इवेंट में सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट आ जाए तो वो कौन सा इवेंट होता है, श्योर इवेंट होता है, तो ये क्या, एक श्योर इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 6/6 यानी कि 1। तो यहाँ से एक बात पता चली मुझे, जो श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी ऑफ एस का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आइए और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, हाँ जी, तो पहले इवेंट बनाएंगे, इवेंट मान लीजिए ए नाम दे लेते हैं उसको, हाँ जी, 6 से बड़ा नंबर, अब 6 से बड़ा नंबर इसमें सेलेक्ट करते हैं, 6 से बड़ा नंबर, 6 से बड़ा नंबर है कोई, कोई नहीं है, तो यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं, नल इवेंट, नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट ही बोलते थे इसको। ठीक है दोस्तों, इसको डिनोट करते थे 5 से। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 0/ सैंपल स्पेस में कितने, 6, तो 0/6 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चली, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। यहाँ मुझे दो रिजल्ट पता चले, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा 1 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट हमेशा या इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक रिजल्ट बना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए वो इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, और 1 से क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/2 है, तो ये क्या सही है, आप चेक करें 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, ये तो 1 से बड़ा है, यानी कि ये कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी या तो 1 होती है, 1 से छोटी होती है, या 0 होती है, 0 से बड़ी होती है। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये भी नहीं हो सकती, माइनस में भी नहीं हो सकती है, तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइंस। ठीक है दोस्तों, 2 कॉइन को मैंने टॉस किया, तो 2 कॉइन को टॉस किया, मैंने आपको सैंपल स्पेस बताया था, लिख लेते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब मुझे इवेंट देखना है, इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऑफ के बाद वाला ये सारा इवेंट है। हाँ जी,
गेटिंग बोथ हेड, दोनों हेड आने चाहिए, इसको ए नाम ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे दोनों हेड कहाँ पे हैं, यहाँ पे हेड हेड है। हाँ जी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लें, वो कितने हैं, वन है। डायरेक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड, इसमें कितने एलिमेंट है, वन है, और इसमें कितने एलिमेंट है, फोर है, तो वन बाय फोर प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। मान लीजिए यहाँ पे हेड की जगह पे क्या आ जाता, टेल आ जाता। हाँ जी, तो टेल में क्या आता, टेल में क्या करना था आपको, हाँ जी, तो अब क्या आ जाएगा, इवेंट ए, इसमें टेल टेल आ जाएगा। हाँ जी, इसमें भी कितने हैं, वन एलिमेंट और वन बाय फोर, इसका भी आंसर वन बाय फोर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, टू डाई आर थ्रो सिमिटेसली, दो डाई थ्रो की जाती है, ठीक है दोस्तों, फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ के बाद ये मेरा इवेंट है गेटिंग डबलेट, गेटिंग डबलेट। पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने आपको बताया था जब दो डाई थ्रो की जाती है तो सैंपल स्पेस क्या होता है, फार्मूला बताया था सिक्स रेट पर एन, एन की वैल्यू दो है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है मेरे पास, 36 है, ठीक। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ऑफ गेटिंग डबलेट, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए इसको इवेंट ए लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें किस किस तरह के एलिमेंट आएंगे। अब डबलेट का मतलब होता है दोनों डाई के ऊपर सेम नंबर, ठीक है, ऐसा कहाँ कहाँ होगा। हाँ जी, ये मैंने सैंपल स्पेस लिख रखा है, एक तो ये एलिमेंट है, पहली डाई के ऊपर वन आ जाए, दूसरी डाई के ऊपर वन आ जाए, एक ये, दूसरा दो दो आ जाए, तीसरा तीन तीन आ जाए, और चौथा फोर फोर आ जाए, फाइव फाइव आ जाए, सिक्स सिक्स आ जाए। इसके अलावा और कोई एलिमेंट आ सकता है इनमें से, 36 में से नहीं आ सकता, इनमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों, और कोई नहीं आ सकता। तो इसके एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, तो कितने, छः एलिमेंट हैं इसके, और मुझे पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, मैंने लिख रखा है वहाँ पे। हाँ जी, इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, छः है, और सैम्पल स्पेस के अंदर कितने, 36 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6 के आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे डबलेट था, उसकी जगह पे आ जाए गेटिंग सिक्स एज ए प्रोडक्ट, अब मेरा इवेंट के ये है, मुझे सिक्स एज ए प्रोडक्ट चाहिए, तो इवेंट ए मान लेते हैं, इसमें एलिमेंट देखते हैं किस किस तरह के एलिमेंट हैं। हाँ जी, जो दोनों डाई हैं उनका प्रोडक्ट करके सिक्स आना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक की एक के साथ गुणा करेंगे एक आएगा, एक की दो के साथ गुणा करेंगे दो आएगा, पहले एलिमेंट कौन सा होगा, एक छः, क्योंकि एक की छः के साथ गुणा करेंगे तो छः आएगा, मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, सिक्स एज ए प्रोडक्ट, छः प्रोडक्ट चाहिए। हाँ जी, और कहाँ, इसका प्रोडक्ट छः आएगा, नहीं इसका प्रोडक्ट छः आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दो तीन आएगा एक, क्योंकि दो तीन का प्रोडक्ट क्या होता है, छः होता है। आप ऐसे देख लो, उसके बाद क्या आएगा, तीन दो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसका ये कुछ नहीं आएगा, उसके बाद सिर्फ छः एक आएगा, सिक्स और वन, सिर्फ सभी सैंपल स्पेस में से चार ही ऐसे नंबर हैं, चार ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनका प्रोडक्ट क्या, छः है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, चार हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 4/36। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/18 यानी कि 1/9, तो इसका, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/9, तो 1/9 क्या आ जाएगा, राइट आंसर। और देखते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आ जाए गेटिंग ए टोटल ऑफ 9, इसका मतलब क्या है, भी जो दो डाई है, दो डाई उनका सम मिला के 9 आना चाहिए, ठीक है, तो इसको भी इवेंट ए मान ले लेते हैं। और ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिनका सम 9 है, हाँ जी यहाँ पे देखें, एक और एक दो, ये भी नहीं है, दो और एक तीन, एक और एक छः, सॉरी एक और छः सात, ये भी नहीं होएगा। पहला नंबर कौन सा होएगा, यहाँ पे कहीं दो छः, ये भी नहीं होएगा, यहाँ पे दो छः भी नहीं होएगा, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे तीन छः आएगा, क्योंकि इसका सम क्या 9 है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तो ही आएगा, ठीक है दोस्तों, जिसका सम 9 है, उसके बाद आएगा 4/5, क्योंकि इसका सम क्या 9 है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद 5/4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट 6/3, सिर्फ चार ही नंबर ऐसे आएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, इसमें चार है, उसमें 36 है, 9 × 36, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं, उसके बाद है, मान लीजिए यहाँ पे आ जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, मुझे डबलेट चाहिए, मैंने आपको बताया था डबलेट क्या होता है, दोनों डाई के ऊपर सेम नंबर, बट एक कंडीशन है, ऑफ इवन नंबर। हाँ जी, ए इवेंट ले लेते हैं, डबलेट तो 1/1 भी होता है, पर 1/1 इवन नंबर नहीं है, वो डबलेट चाहिए पर इवन नंबर वाले चाहिए, वो कौन कौन से हैं, 2/2, 4/4 और 6/6, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट है, 3/36, 1/12 / 36, तो 1/12 का आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, आपको बस सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इवेंट, इवेंट में किस तरह के एलिमेंट है, जो दिया गया है इवेंट, इसके बाद स्टार्ट होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसके बाद जो हुआ वो इवेंट है, इस इवेंट में किस तरह के एलिमेंट आएंगे वो लिखिए, उसके बाद उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो लिखें, और बटे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सिंपली सॉल्व कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा आपके पास,
प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।